क्या आपको थायराइड की बीमारी है, थायराइड की दवा ले रहे फिर भी कंफ्यूजन है कि मुझे किस टाइप का थायराइड है, क्या मुझे हाइपोथायराइड है मोटे होने वाला थायराइड है या मुझे हाइपर थायराइड है यानी जहाँ पे हम पतले होने वाले। अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये कंफ्यूजन है तो आज के इस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके का थायराइड है। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। इस चैनल पे थायराइड के तकरीबन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और हर एक वीडियो के कहीं ना कहीं कमेंट्स में लोगों का एक कॉमन सा सवाल होता है, डॉक्टर साहब हम ये दवा ले रहे हैं, हमें किस टाइप का थायराइड है, मेरी ये रिपोर्ट है, मुझे किस टाइप का थायराइड है, क्या मुझे ये लक्षण है, मुझे किस टाइप का थायराइड है। मुझे ऐसे लगा कि ये इतना बेसिक सवाल जो है लोगों के माइंड में इतना कन्फ्यूजन लेके आ रहा है, तो क्यों ना आपका इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम एक ऐसे वीडियो में बात करें कि आपको पता चले कि आपको किस टाइप का थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए थायराइड का जो प्रॉब्लम जो होता है ना, वो तो बहुत सारे किस्म के आते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो थायराइड प्रॉब्लम आता है वो दो टाइप का होता है। पहला थायराइड का प्रॉब्लम जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य कर रही है, और इस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अक्सर लोग इसको मोटे होने वाला थायराइड भी कहते हैं। दूसरी मेजर कंडीशन है, उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ पे मरीजों की थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है, और इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। लोग इसको पतले होने वाले थायराइड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या थायराइड प्रॉब्लम है आपको और वो हम कैसे पहचानेंगे, ये वीडियो में बात करने वाले हैं। थायराइड की ग्रंथि हमारे गले में स्थायित है, एक छोटी सी तितली आकार की ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि बनाती है दो खास हार्मोन, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन आपके शरीर की हर एक गतिविधियों को कंट्रोल में नियंत्रण में रखता है। तो कैसे पता चलेगा कि थायराइड प्रॉब्लम किस टाइप का है, तो ये तीन तरीके से पता चल सकता है। सबसे पहले है आपके शरीर के लक्षण। देखिए लक्षण है जो है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये लक्षण हाइपो में ही होते हैं और ये लक्षण हाइपरथायरॉयड में ही होते हैं। बहुत सारे लक्षण एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं और दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीरीज ऑफ लक्षण है सेम टाइप के लग रहे हैं, तो हो सकता है आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि आपको किस टाइप का थायरॉयड प्रॉब्लम है। तो पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जहाँ पे थायराइड की ग्रंथि कम कार्य कर रही है। ठीक है, लक्षण है आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम सिर से लेके पैर तक बढ़ते जाएंगे, जो जो बॉडी के पार्ट्स आते हैं मैं बताते जाऊँगी कौन से लक्षण आ सकते हैं। तो हाइपोथायरॉयड में बात करते हैं हमारे सिर के बाल। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयड में बाल झड़ सकते हैं, बाल गिर सकते हैं, हेयर फॉल होता है, अर्ली प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी होता है। फिर आ जाते हैं हम हमारे दिमाग की ओर। तो दिमाग में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिप्रेशन जैसी शिकायत हो सकती है, वो हो सकता है। फिर बढ़ते हैं नींद की तरफ। तो नींद में आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आप सोए रह रहे हैं, आपको लेजीनेस लगते जा रहा है। फिर आ जाते हैं चेहरे में। तो चेहरे पर आ जाती है आपकी आईब्रोज। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा करके जो बाहरी 1/3 की जो आईब्रो होती है उसके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। चेहरा जो है आपका मोटा सा फूला फूला पफी फेस, तो मून फेस जिसको हम कहते हैं, वो हो सकता है। मुंह की तरफ बात करते हैं तो आपको भूख कम लग रही है, उसके बावजूद आपका वज़न बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हैं आपके गर्दन की ओर, तो गर्दन में आ जाती है आपकी थायराइड की ग्रंथि जो बढ़ सकती है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। अब गॉइटर क्या होता है, उसका इलाज कैसे होता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाया है। फिर बढ़ते हैं हम हमारे चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट में आ जाता है आपका हार्ट, तो आपकी दिल की धड़कनें जो होती है वो कम हो सकती है, जिसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मोशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, आपको कब्ज जैसी समस्या हो सकती है, आपका डाइजेशन जो है वो स्लो हो सकता है, आपको कब्ज प्रॉब्लम भी आ सकता है।
महिलाओं में मासिक धर्म में गड़बड़ी आ सकती है, साथ ही साथ उनको इनफर्टिलिटी, बांझपन जैसी समस्याएं भी आ सकती है। अगर आप आपकी चमड़ी की बात करें तो चमड़ी आपकी सूखी हो जाती है, ड्राइनेस आता है। नाखून की बात करें तो ब्रिटल और आसानी से टूटने लगते हैं। उसी प्रकार जॉइंट्स में यानी जोड़ों में दर्द आना हाइपोथायरॉयडिज्म में काफ़ी कॉमन है, उसी तरीके से फटीग और थकावट भी काफ़ी कॉमन है। तो अगर आपको ये सब सीरीज ऑफ लक्षण हो रहे हैं तो हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयड हो। अब चलते हैं उसका पूरा ऑपोजिट, वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा कार्य कर रही है और इसके वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपके लक्षण में भी थोड़े वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो वापस शुरू करेंगे हम सिर से। तो सिर के बाल जो है, आपके सिर के बाल हेयर फॉल कॉमन है दोनों हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके दिमाग की ओर। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, बेचैनी होती है, ये ज़्यादा करके हाइपरथायरॉयड में पाया जाता है। फिर आते हैं आपकी नींद की तरफ। तो आपकी नींद जो है वो बार बार टूट रही है, आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादा करके जो आपकी आईब्रो की 1/3 जो बाल है वो उतने ज़्यादा हाइपरथायरॉयड में कम नहीं होते जितने हाइपो में होते हैं। आँखों की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आँखों का दिखाव जो होता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ऐसा लगता है कि आपकी आँखें जो है वो चेहरे पे से बाहर आ रही है, जिसको हम एग्जोफ्थैल्मोस या तो प्रॉप्टोसिस के नाम से भी कहते हैं। और अक्सर ऐसी बड़ी हुई आँखें लोग मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लोग आके कहते हैं आपकी आँखों को क्या हुआ। तो ये जो प्रॉप्टोसिस मोटी हुई आँख होती है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा पाई जाती है। फिर चलते हैं आपके नेक की तरफ। तो गोइटर यानी कि थायराइड की ग्रंथि बढ़ी हुई आ सकती है। फिर चलते हैं आपके हार्ट की तरफ। तो हार्ट की, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है तो आपको पाल्पिटेशंस हो सकता है। उसी प्रकार आपके हाथ पैर में भी कपकपी और ट्रेमर्स आना काफ़ी कॉमन है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अगर चमड़ी की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों की चमड़ी जो होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है, हाथ लगाओ तो गीली गीली महसूस होती है, उतना सूखापंती नहीं होती। और इन मरीजों को अक्सर हीट इंटॉलरेंस होता है, यहाँ जाने की गर्म सहन नहीं होता और कितना भी एसी लगा ले फिर भी उनको लगता है कि गर्म गर्म सा महसूस होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, अब कितना भी खाया जा रहा है आपकी बॉडी फटाफट उसको डाइजेस्ट कर लेती है, इसके वजह से आपका वज़न कम होता है, इसीलिए इसको कम होने वाला थायराइड भी कहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मोटिलिटी आपके शरीर की ज़्यादा है, आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, डायरिया होता है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी और पीरियड में अनियमितता कॉमन है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसी प्रकार। ओके, तो ये सारे लक्षण हैं जो होते हैं ये ज़्यादा करके पाए जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपके लक्षण हैं और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे आपको किस तरीके का थायराइड प्रॉब्लम है। लेकिन ये बेसिस पे आप तभी ही डिसाइड कर पाएंगे जब तक आपका थायराइड कोई दवा से कंट्रोल नहीं किया गया। शुरू शुरू में थायराइड आया है, पहली बार थायराइड आया है, तो वैसे केसेस में ये बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट ले ली है तो उसके बाद में जो भी लक्षण हैं आपके हैं वो चेंज हो सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद में सिम्टम्स के बेसिस पे थायराइड कैसा है ये कह पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि मुझे अगर 2 साल पहले थायराइड का प्रॉब्लम आया था तब मुझे क्या लक्षण थे, तो उस हिसाब से आप रिट्रोस्पेक्टिव डिसाइड कर पाएंगे। ट्रीटमेंट चल रही है तो लक्षण के बेसिस पे थायराइड किस तरीके का है कहना इतना सचोट नहीं रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते दूसरी तरीके से जानने की, वो है आपकी थायराइड की रिपोर्ट। थायराइड की रिपोर्ट से थायराइड किस तरीके का है ये पता लगाना सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा सही तरीका भी है। तो जैसे ही आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपने ब्लड टेस्ट कराई है। अब जब आप खून की टेस्ट कराते हैं तो इसमें मेन आ जाती है थायराइड फंक्शन टेस्ट। सो थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 टेस्ट खास तरीके की होती है, पहला है TSH, दूसरा है T3 और तीसरा है T4 हार्मोन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जांच होती है। तो अगर आपका TSH की मात्रा ज़्यादा है, 10 है, 12 है, 15 है, 7 है, 8 है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के रिस्क ज़्यादा है।
उसी प्रकार TSH बड़ा है, साथ साथ T3 और T4 की मात्रा अगर कम आई है तो इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है। यानी ब्लड टेस्ट से हमें पता चला आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब यही टेस्ट हम हाइपरथायरॉयड के मरीज में कराते हैं तो वैसे केस में उनकी TSH की मात्रा बहुत ज़्यादा कम आती है। हो सकता है TSH आपका 0.001 आए, 0.05 आए, 0.001 आए और साथ साथ में T3 और T4 की मात्रा बढ़ी हुई आए। तो अगर ऐसे ब्लड टेस्ट है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होने के रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। हो गए ब्लड टेस्ट। इसके साथ साथ में कुछ एंटीबॉडीज़ की भी जांचें हम करवाते हैं, तो इसमें भी तीन तरीके की एंटीबॉडीज़ आ जाती है। पहली है anti-TPO एंटीबॉडी, दूसरी है anti-thyroglobulin एंटीबॉडी और तीसरी है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, जिसको हम TRAP के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडीज़ की जांच हम तब कराते हैं जब हमें ये लगता है कि आपका थायरॉयड का प्रॉब्लम ऑटो इम्यून तरीके का है या नहीं। तो अक्सर जब मरीजों को हाइपोथायरॉयड की समस्या, ऑटो इम्यून बीमारी जिसको हम हाशिमोटोज डिजीज़ कहते हैं, उसके वजह से होता है, तो इन मरीजों की anti-TPO और anti-thyroglobulin की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। TSH रिसेप्टर के रिपोर्ट्स की इतनी ज़्यादा चेंजेस बहुत ज़्यादा हाशिमोटोज में नहीं पाए जाते, कुछ कुछ केसेस में पाए जाते भी हैं, ठीक है। तो यानी हाइपोथायरॉयड है तो आपको TSH बढ़ा हुआ रहेगा, T3 T4 कम रहेगा, एंटीबॉडीज anti-TPO और anti-thyroglobulin पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हाइपरथायरॉयड की तरफ। तो हाइपरथायरॉयड में जब अगर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, अगर वो आपका हाइपरथायरॉयड लेके आ रहा है तो वैसे केसेस में आपका TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। बहुत सी बार anti-TPO और anti-thyroglobulin शायद से नॉर्मल आया या तो बढ़ा हुआ भी आ सकता है, लेकिन अक्सर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आती है। यानी ये हो गए ब्लड टेस्ट, जिससे हमें काफ़ी ठोस तरीके से पता चलता है कि आपका थायरॉयड प्रॉब्लम किस तरीके का है। देखिए, इसके अलावा भी थायरॉयड के लिए हम और भी जांचें कराते हैं, उसमें आ जाता है थायरॉयड का अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं। सोनोग्राफी के माध्यम से हमें ये नहीं पता चलता कि आपको हाइपोथायरॉयड है या हाइपरथायरॉयड। सोनोग्राफी हम ये चेक करने के लिए देखते हैं कि आपकी थायरॉयड की ग्रंथि कैसी है, उसमें खून की सप्लाई कैसी है, आपके दोनों नोड्स कैसे हैं, क्या आपको सिंगल नोड्यूल तो नहीं है, क्या आपको गॉइटर है, मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है, वो सब पता चलता है सोनोग्राफी के द्वारा। हाइपो या हाइपरथायरॉयड में डिफरेंस नहीं पता चलता, ठीक है। तीसरे आ जाते कुछ और एडवांस स्कैन, उसमें आ जाता है एक हो जाता है जिसको हम टेक्नीशियन स्कैन कहते हैं। तो टेक्नीशियन स्कैन ज़्यादा करके डॉक्टर तभी ही कराते हैं जब उनको लगता है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी समस्या है। तो टेक्नीशियन स्कैन में जो आयोडीन का जो अपटेक होता है वो अक्सर ज़्यादा पाया जाता है हाइपरथायरॉयड के मरीजों को। हाइपोथायरॉयड में हम ये स्कैन कराते ही नहीं हैं, अगर स्कैन कराएंगे तो उसमें कोई आपको डिफरेंस पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ये ज़्यादा करके हाइपरथायरॉयड में कराया जाता है। यानी ये हो गया दूसरा तरीका ये जानने के लिए कि आपका थायरॉयड किस तरीके का है, ठीक है। तीसरा तरीका है, और ये भी कोई मैं इतना ज़्यादा रिलायबल तरीका नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी एक तरीका है, जो है आपकी क्या दवाइयाँ आप ले रहे हैं। जी हाँ, ये क्यों सही तरीका नहीं है, क्योंकि अक्सर बहुत सी बार थायरॉयड का जब भी ट्रीटमेंट शुरू होता है तो ट्रीटमेंट में वेरिएशन आते हैं आपके केस टू केस, तो ये कह पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप दवा लिवोथायरॉक्सिन या तो फिर थायरॉक्सिन या तो लिवोथायरॉक्सिन सोडियम या तो T3 अगर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा करके आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का ही प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अगर आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं जैसे कि प्रोपाइल थायोयूरासिल हो गया, कार्बिमाज़ोल, ग्रेव्स डिजीज जैसी समस्या है तो आपको हाइपरथायरॉयड आ गया। उसके लिए शायद से आपने ट्रीटमेंट कराया हो, या तो आपने सर्जरी करा ली या तो फिर आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट करा ली, तो उसके बाद में आपका थायरॉयड बदली होकर बन जाता है हाइपोथायरॉयड। तो वैसे केसेस में आप लेंगे लिवोथायरॉक्सिन की दवा। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग वाला जो थायरॉयड कंडीशन है
उसके बेसिस पे ये कह पाना कि आपको कैसा टाइप का थायराइड है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए ब्लड टेस्ट सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है। लेकिन हाँ, क्या दवा ले रहे उसके बेसिस पे मोटे मोटे तौर पे तो हम बता पाएंगे, लेकिन 100% श्योरिटी ब्लड टेस्ट पे ही हमें पता चलती है। चौथा एक पॉइंट आ जाता है, लोग अक्सर कॉमेंट्स में लिखते हैं ये जो मैं दवा ले रहा हूँ ये खाली पेट पर ले रहा हूँ तो कौन से टाइप का थायराइड है। देखिए, ज़्यादा करके जो हाइपोथायरॉयड के लिए हम जो दवा देते हैं लिवोथायरोक्सिन, ये दवा को हम सुबह में खाली पेट पे लेने का एडवाइस करते हैं, और ये दवा लेने के 45 से 60 मिनट तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये परहेज़ अगर आप रख रहे हैं तो ज़्यादा करके आप हाइपोथायरॉयड की दवा के लिए ही रखते हैं। जब हम हाइपरथायरॉयड की बात करें तो उसमें जो दवा दी जाती है प्रोपाइल थायोयूरासिल, कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल, इन तीनों दवाओं में ये वाला रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। यानी ये दवा आप खाने के पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद में भी खा सकते हैं, सुबह में उठ के भी ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो दवा कितने बजे ले रहे हैं उसके बेसिस पे भी कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि आपको किस तरीके का थायरॉयड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम पता चल सकता है कि आपको किस तरीके का थायराइड प्रॉब्लम है। देखिए, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस मेरे थायराइड पे आए हैं और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे, डॉक्टर हम ये दवा ले रहे हमें किस टाइप का थायराइड है। तो जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो मुझे बहुत ही बेसिक सवाल लगता है और बहुत ताज्जुब की बात होती है कि आप ये दवा ले रहे आपको पता नहीं आपको किस तरीके का थायराइड है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, डॉक्टर मुझे हाइपरथायरॉयड है और मैं ले रहा हूँ थायरोक्सिन की दवा। तो ये भी बहुत आशंकी हो जाता है कि शायद से आपको समझ में ही नहीं आया है कि आपको किस तरीके का थायरॉयड प्रॉब्लम है, या तो फिर सच में आपकी थायरॉयड की ट्रीटमेंट में गड़बड़ है, वो भी हो सकता है। तो ये टॉपिक पे आज का ये डिस्कशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि अक्सर जब हम मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो हम पूछते हैं आपको क्या और कोई बीमारी है, तो मरीज बोलते हैं हमको हाइपरथायरॉयड है, और उसकी फिर दवाइयाँ अलग हो जाती है, हाइपोथायरॉयड कहते हैं तो दवाइयाँ अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप बोलने में ही गड़बड़ करेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब बोलने में गड़बड़ आप तब कर सकते हैं शायद से आपको सच में पता ना हो। देखिए, थायरॉयड की जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, ये एक सुपर स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट में आ जाती है। एंडोक्रेनोलॉजी की जो ब्रांच है ना, ये बहुत ही आगे सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है और ये सादे डॉक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के भी डे इन डे आउट में कुछ ना कुछ नया नया इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और वैसे केसेस में अगर आपके आसपास में कोई एंडोक्रेनोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है तो हो सकता है आपकी ऐसी गड़बड़ हो। एंडोक्रेनोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स की संख्या भारत में बहुत ही कम है और इसके वजह से खास करके छोटे शहरों में, छोटे गांव में एंडोक्रेनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होते। तो वैसे केसेस में अक्सर डॉक्टर्स जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं वो इसको ट्रीट करते हैं, इलाज करते भी हैं। मैं कोई भी डॉक्टर्स को कोई नेगेटिव फेम में नहीं देती, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किए हैं छोटे छोटे गाँवों के लोगों को, तब मुझे पता चला है कि प्रॉब्लम कुछ और है और दवा कुछ और ही दी जा रही है। ऐसे मेजर ब्लंडर्स जो मैं कहते हूँ वो भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जागरूक हो जाए कि आपको किस तरीके का थायराइड है, और अगर आपका कंफर्म है डायग्नोसिस तो ही आप उस टाइप की दवा लीजिए, वरना तो आपका प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगा और इनफैक्ट आपका प्रॉब्लम और बढ़ते सकता है, कॉम्प्लिकेशंस में भी आ सकता है। और इसीलिए आज का इस वीडियो बनाना उतना ही ज़रूरी था। जब शुरुआत में मैंने ये टॉपिक लिया, मुझे खुद को नहीं पसंद था कि ये टॉपिक पे क्या बात करें, कैसे पता चले थायराइड। लेकिन ये प्रॉब्लम सच में काफ़ी मेजर है। इतने मेरी चैनल पे इतने कमेंट्स थे कि जो इसको पढ़ के मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये बेसिक्स में ही इतना प्रॉब्लम है। तो एडवांस स्टेज पे आने के बावजूद ये चैनल पे हमने ये टॉपिक लिया है। इसके पहले थायराइड के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, हाइपरथायराइड के ऊपर, हाइपोथायराइड के ऊपर। आपको जो भी टाइप का हेल्थ प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड वीडियोस आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा थायराइड के रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी और आप बहुत ज़्यादा जागरूक एज अ थायराइड के मरीज बन जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी सवाल है जो नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हूँ यहाँ पे, बैठी हूँ, आपको सवालों के जवाब देते रहती हूँ। कभी कभार जवाब देने में लेट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके सवालों का जवाब दूँ।
और अगर आपको आज का इस वीडियो में कुछ अच्छी सही जानकारी हासिल हुई तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।